ना रहे हो। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि उसके फाटकों को में आके धन्यवाद करो, उसके आंगनों में ठहर के उसकी स्तुति करो, उसके नाम का धन्य कहो, क्योंकि उसने हम सबको जो है बचा लिया है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमसे बहुत सारे लोग हैं जो विश्वासी हैं। लोग विश्वासियों को ये भी नहीं पता है कि आराधना और प्रार्थना का अंतर क्या है इन दोनों चीज़ों में। प्रार्थना जो है परमेश्वर से मांगी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, इसे हम प्रार्थना कहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के किए हुए कामों का वर्ण करते हैं, बड़ाई करते हैं, गवाही देते हैं, स्तुति करते हैं, गाने गाते हैं, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। हे भाई और बहनों, हम सब में से बहुत सारे लोग हैं, प्रार्थना करना हम सबको बहुत ही अच्छी तरह से आता है, क्योंकि प्रार्थना में सिर्फ मांगना ही होता है कि परमेश्वर मुझे वो दे दे, परमेश्वर मुझे बंगला दे दे, परमेश्वर मुझे गाड़ी दे दे, परमेश्वर मेरे बच्चों को यूँ कर दे। लेकिन हम सबको आराधना करना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आराधना में जो है मांगा नहीं जाता है, आराधना में जो है परमेश्वर को धन्यवाद किया जाता है। मेरे भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे विश्वासी जो है सिर्फ मांगते ही रहते हैं परमेश्वर से, लेकिन कभी परमेश्वर को धन्यवाद ही नहीं देते हैं। हे भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए एक दिन बनाया है। परमेश्वर ने आप खुद कहा है कि 7-6 दिन तक मैंने काम किया और 7वें दिन मैंने विश्राम किया, और इस दिन को मैं विश्राम करूँगा, उस दिन को मैं पवित्र करूँगा, उस दिन को मैं तुम्हारे लिए आशीष का दिन ठहराऊँगा। तुम सब आके सिर्फ कुछ ना करना, सिर्फ परमेश्वर की महिमा ही करना। आज परमेश्वर हम सबसे पूछ रहा है, जब हम संडे के दिन परमेश्वर के घर में आते हैं तो क्या करते हैं, आराधना करते हैं या प्रार्थना करते हैं? आज परमेश्वर हमसे ये सवाल पूछ रहा है कि हमको आराधना करना आता है कि नहीं, हम परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं कि नहीं। आज परमेश्वर हम सबसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, कई लोग हैं उद्धार पा चुके हैं, विश्वास भी करते हैं, बपतिस्मा भी ले चुके हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है उनके जीवन में ऐसा होता है कि संडे के दिन चर्च में आना भी बंद कर देते हैं, लेट आते हैं। कई लोगों के घर में जब मेहमान आ जाते हैं तो चर्च में शायद उस दिन छुट्टी कर लेते हैं, कोई बात नहीं अगले हफ्ते चले जाएंगे। कभी कभी लोगों के अगर तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, तो भी कहते हैं कि चलो अब मैं छोड़ देता हूँ, अगले हफ्ते चले जाता हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं जब हमारे घर में दुख और परेशानी होती है तभी हम परमेश्वर के घर को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि नहीं जब मेरी परेशानी दूर होगी तब मैं परमेश्वर के घर में जाऊँगा। ए भाई और बहनों, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, मुझे सब कुछ मिल रहा है, उस टाइम पे परमेश्वर का धन्यवाद देना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। लेकिन मेरा कुछ भी ठीक नहीं है, मेरे हालात पूरे बिगड़ गए हैं, मैं बीमार हूँ, कर्जे में हूँ, उस टाइम पे आराधना करना जो है बहुत ही मुश्किल है। उस टाइम पे जो आराधना करता है वही सच्ची आराधना है जिसे परमेश्वर जो है आशीष देता है। हे भाई और बहनों, आप और मैं कितने लोग ऐसे ही परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हे भाई और बहनों, हमारे घर में थोड़ी सी अगर तकलीफ आ जाती है तो हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं, लोगों को प्रेज लॉर्ड बोलना भी भूल जाते हैं, कॉटेज मीटिंग को आना बंद कर देते हैं। जब थोड़ी सी परेशानी हमारे जीवन में हो जाती है, हमारे बच्चे को अगर कुछ हो जाए तो भी हम जो है चर्च में जाना सबसे पहले छोड़ देते हैं। हे भाई और बहनों, कभी आपने सोचा है दुख और तकलीफ हमारे जीवन में जब आती है तो सबसे पहले हमारे जीवन का काम क्या होता है? प्रार्थना करना छोड़ते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं और
परमेश्वर के घर में आना छोड़ देते हैं, आराधना करना छोड़ देते हैं। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि ये सब जब हम करते हैं तो हम शैतान को जो है खुश कर देते हैं। शैतान चाहता ये है कि इनके जीवन में दुख और तकलीफ आए और ये प्रार्थना करना बंद कर दे या आराधना करना बंद कर दे, परमेश्वर के घर में आना बंद कर दे और बाइबल पढ़ना भी बंद कर दे। शैतान चाहता है कि हम ऐसा ही करें। हे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, दुख और तकलीफ अगर हमारे जीवन में आती है, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, वचन पढ़ना छोड़ दिया है, परमेश्वर के घर में आना छोड़ दिया है, परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दिया है, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों,